नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में। आज यहाँ हीरा गुजराती की आत्मा की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया था। रंगे गुमत निवार सुमति के संगे गंजन वरन विराज सुबे कानन कुंडल हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कांधे मोज जले। आज ये जो हनुमान चालीसा यहाँ रखी गई थी हीरा गुजराती जी के लिए, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखो जी, आज हम सभी लोग इस बात को लेकर संकल्पित थे कि यहाँ हिंदू संगठनों के मुख्य मुख्य लोग आएंगे, क्योंकि कोविड की जो गाइडलाइंस है उन सभी का पालन करना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो हम कुछ संगठनों के कुछ क्षेत्रवाइज मुख्य मुख्य लोग आए, हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हीरा गुजराती का परिवार हरिद्वार गया हुआ है, ऐसी जानकारी हीरा की भाभी ने दी है, और हम दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हैं। हमें इस परिवार ने बताया कि पुलिस उचित कार्रवाई कर रही है, पुलिस पूरा सहयोग कर रही है और पुलिस ने इन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई है। और इन संगठनों का प्रमुख होने के नाते मैंने इनसे यह आश्वासन दिया है कि इन्हें किसी भी तरीके की कोई समस्या होगी, हम इनके साथ इस दुख की घड़ी में जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक मजबूती से इनके साथ खड़े हैं। मैंने अपने एडवोकेट का नंबर इन्हें दिया है, दो आदमियों की ड्यूटी लगाई है कि समय समय पर आएँ और इनसे बातचीत करें, इन्हें किसी भी तरीके की समस्या हो तो इनका पूरा पूरा सहयोग करें। एक भाई ने जानकारी दी है कि एक व्यक्ति के इनके गोली लगी है, उसे पैरालाइज हो गया, उसकी हालत सीरियस है। हम प्रयास करेंगे कि उनको कहीं ना कहीं अच्छे अस्पताल में ट्रीटमेंट कराएं और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी ईश्वर से कामना करेंगे। भैया, एक बार अपने संगठन के और अपने बारे में। हम भारत बचाओ आंदोलन से हैं, जो हिंदुओं की मांग के लिए लगातार संघर्षरत है। उसने पीछे जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन किया था और 3 अप्रैल को हिंदुओं की एक बड़ी महापंचायत बुराड़ी ग्राउंड में वो लोग कर रहे हैं। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कुछ स्पोक्स पर्सन नेशनल स्पोक्स पर्सन और अन्य संगठनों के अध्यक्ष यहाँ मेरे साथ आए हुए हैं। भैया, एक राजनीतिक मुद्दा भी यहाँ बनता जा रहा है वो। देखो जी, राजनीति हमें कोई 1% भी मतलब नहीं है। जो राजनीति मुद्दा बना रहा है आप उससे बात कीजिए, हम हिंदुओं के लिए हैं और हिंदुओं के हैं, राजनीति से हमारा कोई किसी तरीके का कोई संबंध नहीं है। जो राजनीति कर रहा है आप उससे उस बात को पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और हिंदू संगठन जो कि अपने आप में अपनी एक अलग पहचान रखता है, यहाँ इस परिवार की मदद के लिए आया और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ना तो हम यहाँ राजनीति करने आए हैं और ना हम चाहते कि इस गरीब परिवार के साथ कोई राजनीति करे। आज जो ये चालीसा रखी गई है, इस चालीसा के जरिए इस परिवार को और हीरा की आत्मा को शांति देने का एक प्रयास किया गया है। और हिंदू संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि हीरा गुजराती के साथ साथ जो एक अन्य जो घायल हैं और उनको पैरालाइज हो चुका है, उनकी बेहतर उनके इलाज के लिए और इस परिवार की एक हेल्प के लिए ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। कैमरामैन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज़।